महीना 5,41,000 पेमेंट उठाया। हर एक लीडरशिप खुद को प्रूफ कर रहे हैं कि आई एम द बेस्ट। पार्ट डे 18,000 इनकम होता तो आपका घर में क्या खुशी आता। पार्ट डे 70,000 जिसका इनकम है, अगर ये इनकम आपको आ जाए तो क्या खुशी आएगा। अगर माय रिचार्ज के अंदर कुछ है, वो है ऑनेस्टी, तो सोचो कि 10 साल के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार। मेरे को लग रहा है ना, कुछ दिन से खास करके गुवाहाटी में आके मेरे को एक चीज महसूस हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा इडियट मैं हूं। समझ में आया? दुनिया का सबसे बड़ा इडियट मैं हूं। मैं ऐसा इडियट हूं जिसने माध्यमिक में स्टार मार्क्स मिला, 4-4 लेटर मिला। मैं ऐसा एक इडियट हूं। उसके बाद इंग्लिश ऑनर्स किया, वो भी 60% मार्क्स मैंने लेके आया, वो मैं इडियट हूं। उसके बाद मैं 2-2 मास्टर डिग्री किया, एमसीएन एमएससीआईटी, 87% मार्क्स, वो भी मैं अरिंदम नंदी सबसे बड़ा इडियट हूं। उसके बाद सबसे बड़ा बिजनेस कर रहा था लगातार 12 साल, मैं रिलायंस का सबसे बड़ा टॉप लीडरशिप में था, एयरटेल में ऑल ओवर इंडिया में 3 नंबर में था, और टाटा इंडिकम में आप भी गूगल में सर्च करोगे तो सौरभ के साथ मेरा पिक्चर देख पाएंगे आप। नंबर 1 लीडर था, और सबसे बड़ा इडियट मैं हूं, और वो इडियट आज माय रिचार्ज करता है। आप लोग सब सेमिनार को सुना मगर अंदर से महसूस नहीं किया। आज नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा जांबाज लीडर आज धनंजय को मैंने सुना। आपने सुना था धनंजय जी लास्ट महीना 5,41,000 पेमेंट उठाया। सुनने में आसान लगता है, इसको थोड़ा डिवाइड कर लो। अगर 30 देके इसको डिवाइड करोगे ना तो पार्ट डे 18,000 इनकम करता है। दुनिया में हर एक प्रोडक्ट का एक एमआरपी होता है, ये सर नो, एमआरपी का बिना प्रोडक्ट को क्या बोलना चाहिए, फ्री सैंपल, ये सर नो। मगर खुद को पूछो कि आज दुनिया में आप आए हो, आपका एमआरपी कितना है। आज धनंजय शाह जो नॉर्थ ईस्ट में खड़ा कर, सिर्फ धनंजय शाह नहीं, आज नॉर्थ ईस्ट का हर एक लीडरशिप खुद को प्रूफ कर रहे हैं कि आई एम द बेस्ट, और खुद का एमआरपी को बढ़ा रहे हैं। कभी सोचे हैं कि आपका एमआरपी अगर पार्ट डे 18,000 इनकम होता तो आपका घर में क्या खुशी आता। कभी सोचे हैं आज जो हम लोगों का टॉप लीडरशिप में आता है मिस्टर रतन पड़िया, जिसका हमने देखा था 22,00,000 रुपया इनकम किया, अगर आप डिवाइड करोगे तो पार्ट डे 70,000 जिसका इनकम है, अगर ये इनकम आपको आ जाए तो क्या खुशी आएगा। आपको लग रहा है जो डायमंड क्लब है, कोई आदमी खुशी खुशी डायमंड क्लब कर रहे हैं, और कोई आदमी ऐसा सोचता है कि डायमंड क्लब तो बहुत बड़ा एक हेडेक है, इसको ब्लॉक उतारना चाहिए। मेरे को पता है काफी सारे यहां पर डायमंड क्लब ऑलरेडी है जिसको डायमंड के बारे में पता है मगर पर डे 70,000 इनकम के बारे में पता नहीं है। डायमंड करता है और 6,000 बीबी का प्रोडक्ट बिकता है। तो मेरे को बताइए, डायमंड के साथ साथ पार्ट डे 70,000 इनकम का सोच रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। हेलो, रखना चाहिए कि नहीं चाहिए। आज नॉर्थ ईस्ट में माय रिचार्ज आयुर्वेदा एक सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा वे आपके पास दे रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हो कि हम लोग पूरा दुनिया में 20-30 साल पुराना कंपनी नहीं है। अगर माय रिचार्ज के अंदर कुछ है, वो है ऑनेस्टी, एकदम हम लोग कुछ करके दिखाएंगे, और जो हम लोग 1 साल में करके दिखाया, अगर सोचो
मेरे हाथ में जो पुराना पुराना कंपनी आके बोलता है ना कि मैं 20 का हूं, मैं 30 हूं, कभी कभी तो एमडी का नाम मेरे को स्पेलिंग में भी नहीं आता है। अगर एक साल में एक कंपनी इतना धूल चढ़ा सकता है तो सोचो कि 10 साल के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट का ऊपर आपने देखा कि एक आदमी 18,000 पार्ट टाइम इनकम कर रहा है। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि ये नॉर्थ ईस्ट का हर एक लीडर यहां से पार्ट डे 1-2 लाख इनकम करेगा, 1-2 लाख। मैं ये चुनौती भी आपको देता हूं कि जो लीडर आपने देखा मिस्टर पारिया जी जो 22 लाख इनकम किए हैं, मैं कमिटेड के साथ बोल रहा हूं कि 2 साल दे दीजिए, यही एआईडी में 1 करोड़ का इनकम आपको दिखाएंगे, 1 करोड़ का इनकम दिखाएंगे। मगर थोड़ा सा आपको ट्यून चेंज करना है। डायमंड क्लब आप कंटिन्यू कर रहे हो, मगर डायमंड क्लब के साथ किस तरह से लीडरशिप में काम करना है, किस तरह से सफायर बनना है, किस तरह से आपको एमआरएल बनना है, किस तरह से आपको कार फंड लेना है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। और सोचने के लिए आपका जो गुरु होता है, आपका जो मेंटर होता है, उनके साथ बैठना चाहिए। दोस्तों, आज का जो माइंड रिचार्ज है, आप लोग क्या सोचते हो मेरे को पता नहीं है, मगर आज का माइंड रिचार्ज मेरे लिए एक खेल है। खेल, आप लोग लूडो खेलना जानते हो? जानते हो लूडो खेलना? घर में सब लोग बैठे बैठे लूडो खेलते हो ना? हाँ, लूडो में क्या होता है, गुटिया होता है ना, लाल, हला, पीला, ब्लू और येलो कलर का गुटी होता है, और छक्के चलने के बाद उसको चलना शुरू होता है। यस और नो? यस और नो? सर माइंड रिचार्ज ऐसा ही है। ये जो देख रहे हो ना, कोई भी प्रोडक्ट जब आप बिकते हो ना, आपके पास बीबी होता है, मतलब छक्का, कभी कुट भी आता है, कभी छक्के भी आते हैं, सिर्फ आपको गुटी के साथ प्लेसिंग करना है, प्लेसिंग करना है, चार जो हैंड है उसको ऊपर उठाना है, और ऊपर उठा के आपको कार फंड लेना है, आपको ट्रैवल फंड लेना है, आपको हाउस फंड लेना है, प्रोडक्ट भेजना है, बीबी कलेक्ट करना है और उसको प्लेसिंग करना है। यस और नो? मगर आपको वो कसम आज लेना है, आपको वो कसम आज लेना है कि भले ही आज का सेमिनार हॉल में विदाउट एमआरपी में मैं पहुंच चुका हूं, जितने सारे नॉर्थ ईस्ट का लेडी, भागलपुर का लेडी, जितने लेडी आपको जोश दिखाया, जितने लीडरशिप जोश दिखाया, कि आज मैं इस हॉल में कमिट कर रहा हूं कि मेरा एमआरपी भी 20,000, 30,000, 1 लाख होगा। यू आर कमिटेड? आर यू कमिटेड? आर यू कमिटेड? खड़ा होकर बोलिए कि आई एम कमिटेड, आई एम कमिटेड, आई एम कमिटेड। खड़ा होकर बताइए, एक साथ बताइए कि आई एम कमिटेड। माइंड रिचार्ज आयुर्वेदा को दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी में लेके जाइए। बोलिए आई एम कमिटेड, यू आर कमिटेड, यू आर कमिटेड। जय हिंद, जय भारत।